28 दिसंबर को साल का आखिरी गोचर लगने वाला है। इस दौरान बुध ग्रह वृश्चिक राशि में वक्री होने जा रहे हैं। साल के आखिरी गोचर का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा, लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिनको इस गोचर का खासा लाभ मिल सकता है। इन राशियों में को गोचर के कारण नई नौकरी मिल सकती है, साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। आइए हम जानते हैं कि ये लकी राशियां कौन सी है जिसको साल के इस आखिरी सप्ताह में बड़ा फायदा मिलने वाला है। दरअसल बुध को वैदिक ज्योतिष में वाणी, व्यापार, अर्थव्यवस्था, मीडिया और बैंकिंग का कारक माना जाता है, और इसलिए जब भी बुध ग्रह गोचर करते हैं तो इन सेक्टर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस बार गोचर जो बुध ग्रह है जो वृश्चिक राशि पर लगने जा रहा है और 28 दिसंबर से यह शुरू होने जा रहा है, और यह मकर राशि पर, तुला राशि पर और कर्क राशि पर विशेषकर लाभदायक होगा। यह मकर राशि वाले को लाभ ही लाभ मिलेगा, उनकी जितनी भी समस्याएं सब मिटेगी, और तुला राशि का शुभ फलदायक होगा, चाहेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, और कर्क राशि वालों को लाभ ही लाभ होगा, बहुत ही शुभ प्राय खासकर होगा, जैसे वाहन खरीदने का हुआ, मकान हुआ, जमीन जायदाद खरीदने का है, इस प्रकार अनेक आना की लाभ उन्हें मिलेगा कर्क राशि वालों के लिए। इस प्रकार इस बार तीनों राशि पर विशेष लाभ मिलने जा रहा है। इस गोचर का विशेष लाभ मकर राशि, तुला राशि और कर्क राशि के जातकों को मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर काफी लाभकारी होगा, क्योंकि इस राशि से आय स्थान पर गोचर बनने जा रहा है, इसलिए इस समय मकर राशि के जातकों की आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है, साथ ही करियर में उपलब्धियां हासिल हो सकती है। वहीं तुला राशि को भी यह गोचर काफी फलदायी सिद्ध हो सकता है। इस राशि के जातकों को धन और वाणी पर भाव होने जा रहा है, इनके वाणी में प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि कर्क राशि के लिए भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, इनको वाहन और प्रॉपर्टी मिल सकता है, तो इस गोचर का लाभ इन तीनों राशियों को मिल सकता है। जमुई से लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।